फुलपरास में अवैध रूप से संचालित प्रगतिवाद बाल विकास योजना कार्यालय को एसडीएम ने किया सील। करीब एक वर्ष से क्षेत्र में अवैध उगाही के लिए चल रहा था गोरख धंधा। किराए के मकान में संचालित संस्था द्वारा अवैध उगाही कर सीधे सेविका और सहायिका बहाली कर सभी पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का आरोप। बाल विकास परियोजनाओं से मिलते जुलते नाम की संस्था खोलकर करोड़ों की उगाही क्षेत्र में खोल चुके हैं 172 फर्जी आंगनबाड़ी केंद्र। प्रत्येक केंद्र पर सेविका बहाली में 60 से 80,000 और सहायिका की सीधी बहाली में 20 से 30,000 की अवैध उगाही। फर्जीवाड़े के इस गोरख धंधे में स्थानीय सफेद पोशों की बड़ी भूमिका। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के लोहिया चौक के निकट किराए के मकान में अवैध रूप से संचालित प्रगतिवाद बाल विकास योजना कार्यालय को एसडीएम अभिषेक कुमार के द्वारा सील कर दिया गया है। साथ ही एसडीएम ने संस्था द्वारा अनुमंडल क्षेत्र में खोले गए केंद्रों के बारे में संबंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पर्यवेक्षिका से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एसडीएम श्री कुमार ने बताया कि इस कार्यालय हजारों रुपए लेकर अवैध रूप से सीधी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली कर अनुमंडल के चारों प्रखंड में कुल 172 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित की शिकायतें मिली। शिकायत मिलने पर संस्था द्वारा किराए के मकान में संचालित कार्यालय पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच की गई। संचालक से संबंधित करने विभागीय आदेश के कागजात मांगे गए, जो नहीं मिलने के तत्काल अवैध रूप से चल रहे उक्त प्रगतिवाद बाल विकास योजना कार्यालय को सील कर दिया गया। संस्था के बारे में विस्तृत जांच जारी है, गलत पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इधर अवैध रूप से चल रहे प्रगतिवाद बाल विकास योजना कार्यालय को सील होने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सरकार के बाल विकास परियोजना से मिलते जुलते नाम की यह संस्था करीब एक वर्ष से यहाँ संचालित होने की जानकारी सामने आ रही है। दर्जनों बैठक सेमिनार का आयोजन स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे होता रहा। स्थानीय कई से सफेद पोश भी न सिर्फ फर्जी संस्था के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे, बल्कि फर्जीवाड़े में भी उनकी सहभागिता की बात कही जा रही है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सह फुलपरास के सीडीपीओ कविता कुमारी ने बताया कि सभी पर्यवेक्षिकाओं की एक टीम बनाकर पंचायतों में संचालित फर्जी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कराई जाएगी। फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। फुलपरास के लोहिया चौक शंभू शाह के मकान में संचालित संस्था कार्यालय में फुलपरास थाना क्षेत्र के एकहारा कोपा विशनपुर निवासी राम कुमार मंडल नाम का व्यक्ति द्वारा संचालित होने की बात सामने आ रही है। संस्था के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होते ही कार्यालय के सभी कर्मी फरार हो गए। फुलपरास से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट।